नमस्कार, मैं संध्या आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के बारे में। आपके जो डाउट्स हैं, जो आप सोचते हैं, डरते हैं, डर हैं, और उसको मिटाने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्रिया योग ठीक उसी तरह आपका नेचुरल स्वभाव है। सिर्फ ये वो स्वभाव है जिसको हम भूल चुके हैं, वो आदत हम भूल चुके हैं। देखिए, जिस तरह से सांस लेना हम सीखते हैं, सही ढंग से सांस लेने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, पर सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हम सही सांस ले रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को पैदा होने के तुरंत बाद, हाँ ये ज़रूर है कोई बीमारी है उसकी वजह से किसी की सांस में कोई फ़र्क है, वो एक अलग चीज़ है। पर ज़्यादातर लोग जब पैदा होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, पूरी तरह से बढ़िया सांस ले रहा होता है, वो रिलैक्स होता है, उसको टेंशन वरीज कब आती हैं, जब उसके आसपास कुछ शोर मचता है, कुछ लोग झगड़ते हैं या कुछ भी। अब हम ये कहें कि कहीं झगड़ा नहीं होगा जहाँ बच्चे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो कोशिश तो यही करें कि बच्चे को थोड़ा सा सुरक्षित माहौल दें, लेकिन कितने लोग दे पाते हैं, कितने लोगों को मालूम है और कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में चिंता है, या कुछ लोग सोचते हैं। तो सांस लेते हैं पूरी सही ढंग से, फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, कभी डर होता है, कभी डाउट्स होते हैं, कभी कुछ भी, हाँ, तो हमारी सांस सबसे पहले प्रभावित होती है। हम जैसे सांस रोक लेते हैं डर से, हाँ, तो सांस सबसे पहले प्रभावित होती है, फिर वो सांस प्रभावित होती है, फिर हमारे शरीर में उस जगह पर, क्योंकि हम पेन कोई भी नहीं लेना चाहते, सफ़र नहीं कर सकते, कई बार हम उस चीज़ को झेल नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को डेड कर देते हैं। तो उसी तरह उससे क्या होता है, हमारी सांस वहाँ की रुक जाती है, वहाँ के जो बॉडी का पार्ट है वो एक तरह से सिकुड़ जाता है, उसमें सांस का प्रवाह नहीं होता ढंग से, ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलती है, और धीरे धीरे हमारा शरीर कहीं कहाँ से डेड हो गया हमें पता नहीं, हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास थोड़ी बहुत जो सांस लेने की सही है वो चल रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बीमारियाँ आती हैं। हाँ, तो जब बीमारियां कैसे आएंगी, वो जगह आपकी डेड हो गई वहाँ, तो वहाँ जब सांस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सांसें के वो सेल्स कैसे जिंदा रहेंगी, दिमाग सांस सब प्रभावित होता है। अब इसको रिचार्ज कैसे करें, कि उसको अंडू कैसे करें, उसको कैसे हम फिर से वापस अच्छा करें, ठीक करें, तो उसके लिए क्रिया योग है। हाँ, तो आप इस क्रिया योग को, अगर आपको लगता है कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा सा गुरु है। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, आपका आश्रम कहाँ है? भाई, मेरा कहीं आश्रम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो कि गुरु है कोई, वो तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जो भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं मानती हूँ, पर वो भगवान नहीं है, आपके जैसा ही है, जैसा मुझे जो मेरा शिष्य है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी तरीके से गुरु की रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि गुरु है तो उसे, ऐसा नहीं है, प्लीज़। हाँ, तो अब हम क्रिया योग में सीखते हैं सांस, सांस सही ढंग से लेना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, सांस पर ध्यान देकर। फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं, हम सांस पर ध्यान देते हैं, फिर हमारी सांस धीरे धीरे गहरी होती है, सांस स्वस्थ होती जाती है, उस जगह पर हमारे सांस का जो ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंचती है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको एक तरीका बताया, लेट कर करें, अगर लेट कर आपको नहीं लग रहा है तो आप अपने बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी आसन पर बैठें और अपने बटक्स को ऐसे ढंग से, सही ढंग से फैला के, मतलब बैठें, ठीक है। अब आप बैठ गए, अब उसके बाद आप एक पॉइंट है जो, जिसको हम लास्ट का जो पॉइंट है, पूंछ जो है, पूंछ वाली हड्डी है, टेल बोन है, उसके नीचे एक पॉइंट है, एक डॉट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, एक ऐसा नहीं कि ये जैसे हार्ट है ऐसे हम मार्क नहीं कर सकते, एनर्जी पॉइंट कह सकते हैं।
उस जगह पर फोकस करें और सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। देखेंगे आप कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा जब ये चीज़ आपको, क्योंकि अच्छा क्यों लगेगा, आप स्वस्थ होंगे, नेचुरल सी बात है, आपको खुशी मिलती है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, आप आत्मा से जुड़ते हैं। तो उस पर सांस पर ध्यान दें। जैसे ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मैं सांस पर ध्यान देती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इसी जगह पर ध्यान दूंगी। हाँ, अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप जो आज्ञा चक्र है, पीनियल ग्लैंड ठीक इसके पीछे होती है, उस पर उसको भी आप इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सांस पर। जैसे अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, मैं इस उंगली पर सिर्फ और इस उंगली के बारे में सोचूंगी और इसी से अपना कनेक्शन फॉर्म करूंगी। तो उसी तरह से जो आपका रूट चक्रा जहाँ पर है, जो बेस है स्पाइन का, उसके नीचे उस जगह पर सांस लेना और छोड़ना है, करते जाएंगे, फिर लेयर दर लेयर आपको अच्छा लगेगा, फिर टाइम भी बढ़ता जाएगा। 5 मिनट आपको शुरुआत में, जब आप शुरू करेंगे तो आपको तकलीफ लगेगी क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे करने की कई लोगों के लिए। हाँ, जो लोग पहले से बहुत मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो अब उस जगह पर ध्यान देना शुरू करें, अपने इस पूरे शरीर के जो चैनल्स हैं, फिर धीरे धीरे आपकी, अगर आप लेटे हुए हैं सपोज, या मैं जैसे इस पीठ पर बैठी हूँ, ठीक है, अब मैं बिल्कुल टेल बोन के नीचे ध्यान दे रही हूँ और धीरे धीरे मैं देखती जा रही हूँ कि मेरी जो पीठ है पूरी तरह से इसको कहीं पर टच कर रही है, कहीं पर नहीं कर रही है। तो वही लेट कर आप देखेंगे, आप जब सांस ले रहे हैं, भर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए अपनी पीठ पर, तो कहीं पर तो पीठ प्रॉपर तरीके से फर्श या बेड से टच कर रही है, कई जगह पर नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, जहाँ नहीं कर रही है उस पर सिर्फ ध्यान देना है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, पेशेंस रखें, क्योंकि इतने सालों का जो हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ, कचरा कैसा कहना चाहिए, जो स्टिफनेस है, कचरा भी नहीं कहना चाहिए, सॉरी, वो जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस खोलने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे आप पीठ आपकी लगी हुई है, आप देखेंगे कि आपका कुछ पोर्शन इसमें टच कर रहा है, दोनों तरफ में आप देखेंगे ये वाला ज़्यादा टच करेगा या ये वाला ज़्यादा टच करेगा, तो आपकी पूरी बॉडी जो है पूरी तरह से खुलती चली जाती है क्रिया योग के द्वारा। तो जब आप ये करते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए अच्छी होंगी। तो सिर्फ आपको करना क्या है, सांस, अपनी सांस और अपने शरीर में जो चैनल्स बंद हो गए हैं उसको सांस और ध्यान के द्वारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी, इन सब चैनल्स को कनेक्शन फॉर्म करना है। जैसे अगर आप सोचिए आपके घर में एक घर एक पॉइंट फ्यूज़ हो गया, दूसरा सॉकेट फ्यूज़ हो गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते आप कहीं पर कुछ भी बढ़िया सा घर चल रहा है, नहीं। तो उसी तरीके से अपने शरीर, सिर से, ब्रेन से वो सारे चैनल्स प्रॉपर करना, स्पाइन से प्रॉपर करना, सारे कनेक्शंस जो लूज़ हो गए हैं, कहीं पर टूट गए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत, जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ दर्द हो रहा है, अब आप इस तरह से समझिए हम कैसे डेड करते हैं, मेरी राइट दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, खाना तो खाना है, उसी तरह से ज़िंदगी तो जीनी है, तो मैं लेफ्ट साइड से खाना खाना शुरू कर दूँगी। हाँ, और अगर ये दर्द बहुत दिन तक रह गया लगातार, तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे राइट से भी खाना खाना है। उसी तरीके से जहां आपकी चोट लगी है, मान लीजिए आपको किसी ने मानसिक आघात पहुंचाया, वहीं पर आप अपनी सांस रोक लेते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और उस थॉट को आप नहीं सोचना चाहते। पेनफुल थॉट्स कोई नहीं सोचा, कई बार तो इतना पेन होता है कि आप नहीं उस चीज को दोहरा सकते हैं। उसी तरह से आपके शरीर के चैनल्स
फिजिकली, जैसे फिजिकल पेन है तो फिजिकल चैनल्स बंद होते हैं, मेंटल पेन है तो मेंटल पेन होता है। अब होता क्या है, मेंटल और फिजिकल हम तो एक ही हैं, मेंटल और फिजिकल दोनों मिलके फिर एक, दोनों ही चीजें अफेक्ट करती चली जाती हैं। तो इसलिए हम क्रिया योग के द्वारा अपने उन चैनल्स को खोलिए, आराम से बैठिए, लेटिए, जब भी आपको टाइम मिले। आप मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पर जैसे ध्यान देंगे कि ओह मेरा जो राइट हिप है वो इस तरफ ज़्यादा हो रखा है, इस तरफ, तो मैं थोड़ा सा उस बारे में सोचूंगी, तो ये मेडिटेशन हो गया, उस जगह ध्यान लगना शुरू हो गया। तो आपको चैनल्स खोलने का काम करना है। अब आप ये खुद सोचिए, क्योंकि बीमारी का मतलब ही क्या है, डिज ईज, यानी आपके ईज होने में, कंफर्ट होने में एक रुकावट आ गई। तो अगर हम चैनल्स खोल लेते हैं, प्रॉपर तरीके से सांस लेते हैं, हमारे पूरा शरीर में हर जगह पर चेतना का प्रवाह होने लगता है क्रिया योग के द्वारा, तब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और योगी है ना। तो क्रिया योगी बनने के लिए आपको सिर्फ प्रयत्न करना है, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है क्रिया योग करने के लिए, यकीन मानिए आप कर सकते हैं, बस शुरुआत करें। मेरे कई वीडियो हैं, जहां पर आपको कुछ लगे डाउट, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके डाउट्स क्लियर करूं। तो अब तो कोई आपके मन में भय या डाउट नहीं है, करिए शुरुआत। फिर से एक बार मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट है, आपको लोग बोलते हैं चाय पियेंगे, तो आप पीने वाले होते तो पी लेते हैं, नहीं सोचते ना चाहे वो नुकसान करे, तो क्रिया योग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।